नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जीएन भारत में आपको झारखंड में जो भी हो रहा है उसका लगातार अपडेट हम आपको देते आ रहे हैं। और अब जो बहुत बड़ी अपडेट हमने आपको कुछ देर पहले दी कि पंकज मिश्रा को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अब जो और बड़ा खबर आ रहा है आप देख सकते हैं। जैसा हम मौजूद है, सुरेंद्र कुमार आईपीएस जो है एसएसपी है रांची के, उनके कार्यालय के बाहर है। ऐसे एसएसपी साहब अभी है नहीं, लेकिन उन्होंने पांड्रा के ओपी के जो थाना प्रभारी है, बुड़मू थाना प्रभारी और उसके महिला थाना प्रभारी, तीनों को निलंबित कर दिया है और लाइन हाजिर किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह एसएसपी द्वारा लगातार सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान अगर पुलिस लाइन में चलाया जा रहा है, उनके द्वारा ये कहना गलत नहीं होगा, ये चलाया जा रहा है। हम यहाँ पर खड़े हैं, एसएसपी का बाइट हम आपको तो दिखाएंगे जब आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी नया पांड्रा ओपी प्रभारी जो है, थाना प्रभारी, उनको चंद्रशेखर को बनाया गया है। आपको बता दें, उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक युवक को उस बेमतलब का अंदर लॉकअप में बंद किया था और 1.5 लाख रुपये लेने के एवज में उनको छोड़ा गया था। आपको बता दें, इस तरह का आरोप लगातार घूस लेने का और कई सारे बहुत सारे आरोप उन पर लगते आ रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन एसएसपी सुरेंद्र कुमार ने फौरन जिस तरीके से लाइन हाजिर किया है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सुरेंद्र कुमार ने ये जो स्टेप लिया है, इससे क्या असर पड़ता है दूसरे थाना प्रभारी जो मनमाना काम करते हैं, जो बेमतलब का अंदर लोगों को घुसाते हैं, पीटते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। कहीं ना कहीं ये झारखंड पुलिस का बहुत अच्छा ये पहल है, एक बहुत अच्छा कोशिश है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से झारखंड में जैसे सियासी गलियारे में हर दिन एक नया भूचाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईडी, सीबीआई, बंधु तिर्की, सब कुछ, इस बीच अगर पुलिस से ये अच्छी खबर आती है, बेहद सराहनीय है। और इसकी सारी अपडेट आगे कौन से थाना प्रभारी निशाने पर सुरेंद्र कुमार का, ये हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।